लेसन नंबर 5 चित्र का नाम है चांद बीबी पोलो खेलते हुए। चित्रकार अज्ञात, माध्यम कागज पर जल रंग, समय 1750 ईस्वी, उपशैली गोलकुंडा, तकनीक टेम्परा, संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। ये चित्र है जिसका नाम है चांद बीबी पोलो खेलते हुए, और इस चित्र इसमें चित्रकार अज्ञात है, मतलब पता नहीं है कि किसने बनाया है। माध्यम कागज पर जल रंग द्वारा बनाया गया है। समय 1750 ईस्वी में बनाया गया। उपशैली गोलकुंडा, तकनीक टेम्परा, संग्रह है इसका राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। इस चित्र में शाही वेशभूषा में घोड़े पर सवार चांद बीबी व अन्य 3 महिला खिलाड़ियों को पोलो खेलते हुए दिखाया गया है। सभी खिलाड़ियों के वस्त्र व घोड़े अलग अलग रंग के दिखाए गए हैं। इस चित्र में क्या दिखाया गया है? एक चांद बीबी दिखाई गई है जो अन्य खिलाड़ियों के साथ पोलो खेल रही है, जिनकी वेशभूषा राजसी है, राजाओं जैसे कब वस्त्र पहने हुए हैं। सभी ने अलग अलग रंग के वस्त्र पहने हुए हैं और सबके घोड़े भी अलग अलग रंग के दिखाए गए हैं। खेल के मैदान के अग्रभाग में एक तालाब है जिसमें सफ़ेद रंग के कई पक्षी तथा लाल नीले फूलों को दिखाया गया है, और ये अग्रभाग मतलब आगे का भाग दिखाया गया है जिसमें एक तालाब दिखाया गया है, और तालाब के अंदर सफ़ेद रंग के ये पक्षी दिखाए गए हैं और लाल और नीले रंग के फूल दिखाए गए हैं। जबकि बीच का भाग चित्र में हरे रंग का बना है, और जो ये बीच का भाग बनाया गया है वो हरे रंग का बनाया गया है। मैदान का पिछला भाग हरा भरा और सपाट है, और जो ये मैदान का पीछे का भाग दिखाया गया है हरे रंग का है और सपाट है, मतलब इसमें कोई भी लाइन नहीं है, बिल्कुल प्लेन दिखाया गया है। जबकि बीच का भाग जहाँ चित्र बना है वहाँ काफ़ी घुमावदार पहाड़ियाँ हैं, और जहाँ पर ये चित्र बनाया गया है हरे रंग का ही है, लेकिन इसमें इस तरीके से डार्क कलर की लाइंस बना दी हैं, जैसे पहाड़ी छोटे छोटी सी पहाड़ियाँ बनाई गई हैं जहाँ पर ये चित्र बनाया गया है, जहाँ पर चांद बीबी को पोलो खेलते हुए दिखाया गया है। सफ़ेद व नीले घोड़े पर सवार खिलाड़ियों के मुंह आमने सामने हैं। सफ़ेद और पीले घोड़े पर जो सवार हैं राजकुमारियां, उनके मुंह आमने सामने दिखाए गए हैं। वे अपनी छड़ी से सफ़ेद गेंद को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही हैं, और वो किस मुद्रा में दिखाई गई हैं? अपनी अपनी छड़ी से, ये सफ़ेद रंग की गेंद है, और सफ़ेद रंग की गेंद को अपनी अपनी छड़ी से अपने पास गेंद को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही हैं। जबकि दो अन्य घुड़सवार भी आमने सामने हैं, और जो दो अन्य घुड़सवार दिखाए गए हैं वो भी आमने सामने फेस किए हुए हैं, किंतु इनके बीच पर्याप्त दूरी है, लेकिन दोनों के बीच काफ़ी दूरी दिखाई गई है। जो सफ़ेद और पीले घोड़े पर सवार राजकुमारी हैं उनकी इतनी दूरी नहीं है जितनी इन दोनों की दूरी दिखाई गई है। चारों घोड़ों को हृष्ट पृष्ट व सुसज्जित दिखाया गया है, और चारों जो घोड़े दिखाए गए हैं वो तकड़े दिखाए गए हैं, हृष्ट पृष्ट दिखाए गए हैं और सुसज्जित दिखाए गए हैं। खेल को निर्देशित करने वाली एक अन्य महिला ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए हुए हैं, और जो एक खेल को निर्देशित करने वाली एक महिला दिखाई गई हैं, और उन महिला ने ऊपर दोनों हाथ उठा रखे हैं, जैसे वो इन्हें गाइड कर रही हैं, इन्हें निर्देश दे रही हैं कि किस तरीके से खेलना चाहिए। पृष्ठभूमि में एक किला दिखाया गया है, और पीछे की तरफ पृष्ठभूमि में एक किला दिखाया गया है, ये किला है, और छोटी बड़ी इमारतें दिखाई गई हैं। किले के अंदर छोटी बड़ी इमारतें दिखाई गई हैं, और इमारतों के पास पेड़ दिखाए गए हैं, और जहाँ तहाँ कहीं कहीं पेड़ भी दिखाए गए हैं। नीले सपाट आसमान में पीले रंग का सूरज दिखाया गया है, और नीले रंग का ये आसमान दिखाया गया है जिसमें पीले रंग का सूरज दिखाया गया है। चित्र के ऊपर और नीचे गहरे रंग से पीले रंग के चौड़े हाशिए दिखाए गए हैं, और चित्र में नीले रंग के दिखाए गए हैं, नीला रंग का आसमान दिखाया गया है।
ये आसमान दिखाया गया है नीले रंग का, और इसमें सूरज दिखाया गया है। ये इसका विवरण हो गया। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी लिंक मिल जाएगा, और बाकी वीडियोस के लिंक भी मिल जाएंगे।